अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मजबूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अनु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हुआ था कि एक यहूदी आलम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद। मैंने इसको ज़ोर से धक्का दिया जिससे वो गिरते गिरते बचा। कहने लगा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया है? मैंने कहा, तुमने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहा? कहने लगा, हम उनको इसी नाम से पुकारते हैं जो नाम उनके घर वालों ने रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे घर वालों ने जो मेरा नाम रखा है वो मोहम्मद ही है। यहूदी ने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं तुमको कुछ बतला दूं तो क्या तुमको कुछ फ़ायदा पहुंचेगा? इसने कहा, मैं गौर से आपकी बात को सुनूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक तिनके से ज़मीन कुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूछो। यहूदी कहने लगा कि जब ज़मीन व आसमान बदल चुके होंगे इस वक्त लोग कहाँ पर मौजूद होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंधेरे में पुल सिरात के करीब होंगे। इसने पूछा, सबसे पहले पुल सिरात को कौन पार करेगा? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फुकरा व मुहाजरीन। इसने पूछा, वो जन्नत में दाखिल होंगे तो सबसे पहले इन्हें क्या खिलाया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मछली की करेजी का टुकड़ा। इसने पूछा, इसके बाद इन्हें क्या खिलाया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनके लिए जन्नत का वो बैल ज़िबह किया जाएगा जो जन्नत में चरा करता है। इसने पूछा कि इसके बाद इन्हें क्या पिलाया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्हें सलसबील नामे एक चश्मे से पानी पिलाया जाएगा। इस यहूदी आलिम ने कहा कि आपने सच फरमाया, लेकिन मैं आपसे वो बात पूछने आया हूँ जिसको रोज ज़मीन पर नबी के सिवा सिर्फ एक या दो आदमी जानते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं तुमको वो बात बता दूँ तो तुमको फ़ायदा पहुँचेगा। इसने कहा कि मैं गौर से सुनूंगा। चुनाचे इसने कहा कि मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि बच्चा किस तरह पैदा होता है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द का पानी सफ़ेद और औरत का पानी जर्द रंग का होता है। जब ये दोनों पानी जमा हो जाएं और मर्द की नस औरत की नस पर गालिब आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से बच्ची पैदा होती है। यहूदी ने कहा, बिलाशुबा आपने सच फरमाया और आप हकीकतन अल्लाह तबारक व ताला के नबी हैं। फिर वो यहूदी चला गया। इसके जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसने जिन चीज़ों के बारे में पूछा मुझे इन चीज़ों का इलम ना था, अल्लाह तबारक व ताला ने इसी वक्त इन चीज़ों का मुझे इलम अता फरमाया। प्यार दोस्तों, इस रिवायत से पता चला कि सबसे पहले फुकरा व मुहाजरीन पुल सिरात को अबूर करेंगे और वही जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इसके अलावा कुछ और मजीद भी मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने के हवाले से हमें मुत्तले किया है। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों के फकीर उनके मालदारों से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे और वो आधा दिन 500 साल का है। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने वो तीन शख्स पेश किए गए जो पहले जन्नत में दाखिल होंगे, एक शहीद, दूसरा हराम से और गुनाहों से बचने वाला पाक दामन शख्स और तीसरा वो बंदा जो अल्लाह तबारक व ताला की अच्छी तरह से इबादत करे और अपने आकाओं की खिदमत करे। और अल्लाह तबारक व ताला ने सूरत इब्राहिम के अंदर जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने की कैफियत को इस तरह से बयान किया है। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, और जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल के पाबंद रहे वो अपने रब के हुक्म से ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिन बागों के नीचे नहरें बह रही होंगी और वो उन बागों में हमेशा रहेंगे और वहाँ उनका तहिया और मुबारकी सलाम होगा। और हजरत साल बिन साद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 या 70 लाख, रावी को अदद के तायुन में शक है, अफराद इस तरह से दाखिल होंगे कि एक दूसरे को पकड़े हुए होंगे और इस तरह उनमें अगले पिछड़े
सब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे। मकसद ये है कि सब के सब इकट्ठे जन्नत में एक दूसरे के हाथ को पकड़कर दाखिल होंगे और इससे जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि वो दरवाज़ा कितना बड़ा होगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला ग्रोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनकी सूरतें ऐसी होंगी जैसे 14वीं का चांद होता है, फिर जो लोग इसके बाद दाखिल होंगे वो आसमान के सबसे ज़्यादा रोशन सितारों की मानिंद होंगे। ना तो उन लोगों को पेशाब की ज़रूरत होगी, ना कदाए हाजत की, ना वो थूकेंगे और ना ही नाक की आलाइशें निकालेंगे। उनके कंघे सोने के होंगे और उनके पसीने मुशक की तरह होंगे। उनकी अंगीठियों में औद नहायत ही पकीदा लकड़ी पड़ी होगी और उनकी बीवियाँ बड़ी बड़ी आंखों वाली हो रही होंगी। सब की सूरत एक ही होगी, यानी अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुखारी शरीफ के अंदर मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में दाखिल होने वाली सबसे पहली जमात के लोगों के चेहरे 14वीं के चांद की तरह रोशन होंगे, ना वो जन्नत में थूकेंगे, ना उनकी नाक से कोई आलाइश आएगी और ना ही वो बोलो बराज करेंगे। उनके बर्तन सोने के होंगे, कंघे सोने चांदी के होंगे और अंगीठियों का ईंधन ऊद का होगा, पसीना मुश्क जैसा होगा और हर शख्स की दो बीवियाँ होंगी जिनके हुस्न व खूबसूरती का ये आलम होगा कि पिंडलियों का गोदा गोश के ऊपर से दिखाई देगा। ना जनतियों में कोई इख्तिलाफ होगा और ना ही बुग़्ज़ व इनाद होगा। उनके दिल एक दिल की तरह होंगे और वो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह पढ़ते रहेंगे। और हजरत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने एक बार अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि जन्नत में सबसे कम दर्जा शख्स कौन होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो एक शख्स होगा जो तमाम जनतियों के दाखिल हो जाने के बाद जन्नत में जाएगा। इससे कहा जाएगा कि जन्नत में चले जाओ। वो शख्स अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मैं जन्नत में कहाँ जाऊँ? जन्नत के तमाम महल्लात और मरातिब व मनासिब लोगों को पहुँच चुके हैं। इससे कहा जाएगा, क्या तुम इस बात पर राजी हो कि तुम्हें जन्नत में इतना इलाका मिल जाए जितना दुनिया के किसी बादशाह के मुल्क का इलाका होता है? वो शख्स अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मैं राजी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, जाओ ये इलाका भी ले लो और इससे 5 गुना और ज़्यादा ले लो। वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं राजी हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ये भी ले लो और इस जैसा 10 गुना इलाका और ले लो। इसके अलावा जो चीज़ तुम्हारे दिल को अच्छी लगे और तुम्हारी आंखों को भाए वो भी ले लो। वो शख्स अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मैं राजी हूँ। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जिन लोगों का जन्नत में सबसे बड़ा दर्जा होगा वो कौन लोग होंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग होंगे जिनको मैंने पसंद कर लिया और उनकी इज्जत व करामत पर मैंने अपने हाथ से मोहर लगा दी और उनको वो नेमतें मिलेंगी जिनको ना किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और ना किसी जहन में उनका तसव्वुर आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी तस्दीक कुरान करीम के अंदर मौजूद है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सजदा के अंदर इरशाद फरमाया, और कोई शख्स नहीं जानता कि उनकी आंखें ठंडी करने के लिए क्या क्या नेमतें छुपाई हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों के अंदर शामिल फरमाए जो सबसे पहले एक दूसरे का हाथ पकड़कर जन्नत के अंदर दाखिल होंगे और जन्नत के अंदर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बीवियाँ अता करेगा कि जिनकी पिंडली का गोदा भी उनके जोड़ों के बावजूद दिखाई देता होगा। आमीन या रब्बल आलमीन।